जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है भाई बहनों आप सभी का न्यूज इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे भारत में और उसे हटाने की भी पूरी तैयारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर भारत को तीन अलग अलग जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन। तो इन तीनों जोन का मतलब क्या होता है, उसी हिसाब से लॉकडाउन खुलेगी, कौन से जोन में ट्रेनें चलेगी, कौन से जोन में बसें चलेगी, कौन से जोन में दुकानें बंद रहेगी या कौन से जोन में इमरजेंसी की स्थिति रहेगी। जी हाँ, कुछ ऐसे जगह जहाँ पर बिल्कुल इमरजेंसी की तरह रहेगा, लॉकडाउन से भी ज़्यादा बड़ा लॉकडाउन लगेगा, बिल्कुल भी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, यहाँ पर ट्रेन और बसें चलेगी या नहीं चलेगी इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि न्यूज़ इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या सरकार को जो बाहर फंसे हुए लोग हैं, यानी कि किसी दूसरे स्टेट में काम करने गए थे, वहाँ जो लोग फंसे हैं, सरकार को पहले उनको घर पहुँचा देना चाहिए तब लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या अभी लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए। तो इसके बारे में आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट करने से ये बात सरकार तक भी पहुंच सकती है और यहाँ मुझे भी पता चलेगा कि हाँ लोग क्या सोचते हैं। तो ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर बात करें, कोरोना वायरस ने सभी देशों की तरह भारत को भी अपनी चपेट में ले रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 9,152 मामले सामने आ चुके हैं। जी हाँ, इसके अलावा 857 मरीज ठीक हुए हैं और देश भर में अब तक 308 मरीजों की मौत हो चुकी है। पूरे देश में 7,987 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान 45 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसी के तहत यहाँ पर सरकार ने अलग अलग जोन में बांट रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रीन जोन का क्या मतलब होता है। जी हाँ, तो यहाँ पर इस जोन का अर्थ संक्रमण मुक्त है। यहाँ पर प्रशासन लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीज़ों को खरीदने के लिए लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त दे सकता है। हालांकि इस दौरान कहीं भी भीड़ इकट्ठा होने या सोशल डिस्टेंसिंग की बात माननी जरूरी है। जी हाँ, ग्रीन जोन में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, ऐसा न करने वाले पर प्रशासन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि जिले में DM अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए प्रतिबंधों के बाबत कुछ फैसले ले भी सकते हैं। जी हाँ, ग्रीन जोन के अंदर भी जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाएगा उन्हें किसी भी तरह के मेल जोल की इजाज़त नहीं होगी। ऑरेंज जोन, इस तरह के जोन में वो इलाके या ज़िले आते हैं जहाँ संक्रमण के कुछ मामले निकल कर सामने आते हैं। जी हाँ, प्रशासन यहाँ पर जरूरी उपाय कर लॉकडाउन सील करने जैसे ये दूसरे एहतियाती कदम उठा सकते हैं। इस जोन में संक्रमण वाले इलाके को छोड़कर अन्य इलाकों में पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है। जी हाँ, इसमें लोगों के जरूरी सामान खरीद के लिए घर से बाहर निकलने की छूट शामिल है। इसके लिए प्रशासन चाहे तो समय सीमा भी निर्धारित कर सकती है, यानी कि समय सीमा जैसे कि अगर टाइम निर्धारित कर देगा 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपको जाना है तो आपको उसी जोन टाइम पर जाना होगा। उसके बाद बात करते हैं रेड जोन, तो रेड जोन ये जोन सबसे खतरनाक है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर संक्रमण के चपेट में कई लोग आ चुके हैं और इसके बढ़ने या यहाँ की वजह से कहीं दूसरे जगह संक्रमण की बढ़ने की आशंका काफ़ी अधिक है। ऐसे में इसके रेड जोन में शामिल कर यहाँ के रहने वाले लोगों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है। यहाँ के लोगों को घरों से बाहर निकलने की छूट नहीं दी जाती है। किसी आपात स्थिति में व्यक्ति केवल हेल्पलाइन पर फ़ोन कर अपनी बात रख सकता है। इसके बाद प्रशासन अपने हिसाब से उसकी मदद करेगा। इस तरह के जोन में प्रशासन जरूरी चीज़ों की सप्लाई का जिम्मा अपने हाथों में ले लेता है। इस तरह के जोन पर में लोगों पर बेहद सख्त पहरा लगाया गया है और इसकी अवहेलना करने पर कठोर कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल को इसी तरह की रेड जोन की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी मुंबई, पुणे को रेड जोन घोषित किया गया है। दिल्ली में अब तक 43 रेड जोन है। इन रेड जोन में हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। फिलहाल सरकार इस तरह के जोन पहचान करने में पूरी ताकत से जुटी है ताकि इन्हें समय पर सील कर लोगों की जाँच करवाई जा सके और इस महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। दिल्ली में सरकार ऑपरेशन सील चला रही है। इसके तहत कोरोना हॉटस्पॉट इलाके में सैनिटाइजेशन ड्राइव किया जा रहा है। तो ये थे तीनों जोन के बारे में आपको मैंने जानकारी दिया है। इस जानकारी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। और सभी न्यूज़ और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।